वेट 50 केजी मे बी एंगेज्ड इन 8 आवर्स इन जनरल हाउसहोल्ड वर्क इन लाइट इंडस्ट्री और इन एनी अदर मॉडरेटली एक्टिव वर्क देन 8 आवर्स इन बेड स्पेंड्स 40 to 6 आवर्स सिटिंग और मूविंग अराउंड इन लाइट एक्टिविटी 2 आवर्स वॉकिंग और एक्टिव रिक्रिएशन और हाउसहोल्ड कोर्स इंसिडेंस एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वोमेन 15 to 49 ईयर्स एज ग्रुप 33% मालनरिस्ट या कुपोषित होते हैं जिसके BMI लेस देन 18.5 एज पर सेंसस 2011 इन इंडिया एवरी थर्ड वोमेन इज अननरिस्ट न्यून कुपोषित नियर अबाउट 35% हैव लो BMI एवरी सेकेंड वोमेन इज एनीमिक जनरली 55.3% एंड 88 एडोलेसेंट गर्ल्स हैव एनीमिया 3.3% हैज HB परसेंट लेस देन 7 ग्राम मतलब सीवियर एनीमिया 85% प्रेग्नेंट वोमेन हैव एनीमिया एंड 9% नाइन हैविंग सीवियर एनीमिया द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया हायर इन लैक्टेटिंग वोमेन एज कंपेयर टू प्रेग्नेंसी द कॉमनेस्ट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी कॉमन रिसर्च इंडिकेट्स दैट 69% ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 आर एसोसिएटेड विथ माल न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रेन्स माल न्यूट्रिशन इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विथ मदर्स पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हु इज हेल्दी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि विधीयते सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सुश्रुत के मतानुसार बात पित्त कफ का समानता रहना प्रोपोर्शन सेम रहना समाग्निश्च जो 7 धात्वाग्नि 5 भूताग्नि एंड जठराग्नि ऐसे 13 जो अग्नि है हमारे शरीर में वो समता बजाए रखना तथा 7 धातुओं की समानता तथा त्रिमल जो है उसका समानता तथा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय एंड मन ये तीनों की जो प्रसन्नता उसको आयुर्वेद ने स्वस्थ की व्याख्या किया गया है एंड मॉडर्न के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस और इन्फर्मिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द करेंट बॉडी स्टेटस ऑफ ए पर्सन और ए पॉपुलेशन ग्रुप रिलेटेड देयर स्टेट ऑफ नरिशमेंट the consumption and utilization of nutrition. It is determined by internal and external constitutional factor like age, sex, nutrition, behavior, physical activity, and diseases. External like food safety food, cultural program, social well-being, economic circumstance. महिला के जो पोषक अवस्था है फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए वोमेन तो नंबर 1 जो स्टेटस ऑफ ए वोमेन फॉर न्यूट्रिशन पारिवारिक आय एंड व्यय जनरली हाउसहोल्ड इनकम एंड इट्स यूटिलाइजेशन पर्यावरण की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट
भाई बहन की संख्या, नंबर ऑफ सिबलिंग, देन पुरुष एवं स्त्री बालकों में भेदभाव, शिक्षा का स्तर एजुकेशनल लेवल, उसकी गतिविधि एवं सामाजिक उत्तेजना में संयोग, पारिवारिक निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर एट द हाउसहोल्ड, पुअर न्यूट्रिशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जनरली वुमेन्स न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, बेबी लो बर्थ वेट, चाइल्ड स्टैंडर्ड एंड एडोलेसेंट स्टैंडर्ड, इम्प्रूव न्यूट्रिशन थ्रू आउट वुमेन्स लाइफ, महिला के जीवन में जीवन काल में पोषण का सुधार कैसे हम कर सकते हैं, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ, द लाइफ साइकिल अप्रोच कैन इम्प्रूव वुमेन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेनी न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स एक्सपीरियंस्ड इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड हैव इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस, सो इंटरवेंशन टू सपोर्ट एडिक्वेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इन्फेंसी ऑनवर्ड डायरेक्टली बेनिफिट वुमेन्स लेटर इन लाइफ, हेल्थ डिपेंड्स अपन हेल्दी न्यूट्रिशन आहार एंड विहार, आहार हमारी डाइट कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तच्च नित्यं प्रजीवजीत स्वास्थ्यं स्वास्थ्य एनानुवर्तते अजातानां विकाराणां उत्पत्तिकरं च यत्, ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिसके स्वास्थ्य का मेंटेनेंस होना या अनुवर्तन होना, स्वास्थ्य नित्य रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए उनकी उत्पत्ति भी ना हो। तो हमारे जीवन काल में आहार का सबसे बड़ी भूमिका रहता है, जैसे आहार ऐसे मन ऐसे विचार सब रहता, न च आहार समं किंचित द्विसज्य उपलभ्यते शक्यते अप्योन्नमात्रेण नरह कर्तु निरामया, आहार समान अन्य कोई भी औषध नहीं है, आहार को औषध के साथ तुलना किया गया है, केवल पथ्य आहार द्वारा मनुष्य को निरोग किया जा सकता, यदि रोगी पथ्य सेवन नहीं करता तो चाहे कितने भी औषधियों का प्रयोग किया जाए सब व्यर्थ हो जाता, इसीलिए आहार को आयुर्वेद ने औषध माना गया है और स्वस्थता बजाय रखने के लिए आहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्वस्थ आहार स्वस्थ मन को निरीक्षण करता, भेषजेनो पपन्नोपि निराहारो न शक्यते तस्मात् भिषज विहारो महाभेषज्य मुच्यते, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद औषधि का सेवन करने पर भी आहार के बिना व्यक्ति की स्थिति नहीं होती, इसीलिए वैद्यों ने आहार को महाभेषज कहा गया कहते हैं, केवल औषधि के सेवन से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवन को स्थिर रखने के लिए आहार अत्यंत परम आवश्यक है, उत्तम आहार सेवन से संतोष पोषण धैर्य बुद्धि उत्साह पौरुष बल ओज तेज प्रतिभा प्रभा आदि गुणों की वृद्धि होती है, तो उत्तम आहार परम आवश्यक है। भारतीय आहार व्यवस्था इंडियन डाइट, द इंडियन डाइट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेग्यूम्स डायरी एंड ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन फूड्स सच एज फिश एंड रेड मीट, इंडियन डाइट प्लान इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डाइटरी फाइबर, ज्वार बाजरा रेगी होल व्हीट फ्लोर आटा फ्रेश फ्रूट्स पल्सेस ब्राउन राइस एंड वेजिटेबल,
including green leafy ones. High contents of dietary fiber reduce the cholesterol level. High contents of omega-3 fatty acid. With high content of omega-3 fatty acid, people at an increased risk of heart diseases are benefited. Walnut, spinach, flaxseed, sunflower, and soybeans. Besides this nutrient, it's also important for essential body function such as control of blood clotting, building cells, membrane in the brain, and others. Rich in antioxidants, the free radical found in vegetable, whole grain, and fruits can fight the free radical that harm the body if not removed. The free radicals have been linked to all sorts of diseases, including cancer. For digestive health, whole grain, chapati, roti, and dal, the common food, contains carbohydrates along with dietary fiber. It helps to maintain blood pressure and maintain weight and regulate digestion. It also helps to reduce bad cholesterol level and balance blood sugar level. Healthy proteins, lentils, kaju, pista, and chane are some healthy protein sources. As protein builds the muscles in our body, it needs to be replaced constantly. Some of the excellent protein rich Indian recipe include upama and chana dal. For heart health, sunflower oil, avocados, olive oil, and heart healthy nuts such as almonds, badam, and walnuts accrue. Zinc, necessary nutrient for the synthesis of proteins and nucleic acid, a component of हेलो अभी थोड़ा लाइट चला गया डिस्कनेक्ट हो सकता है लाइट चला गया है हाँ बोल दिया ना हाँ इट हैज पिवोटल रोल टू प्ले इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग of the reproductive system, necessary for a healthy immune system. Lack of zinc can lead to many medical problems like impaired growth, skin problem, hair loss, and infections. Source of egg yolk, sprouted wheat and garlic, meat, pumpkin seed, and sesame seed. Recommended nutrient for a woman involved in sedentary work. For a day,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर इज सम टेक्निकल इशू, सर विल जॉइन विद अस विद इन 5 मिनट्स. हेलो डॉक्टर दीपिका, यस मैम. हाँ जी, मैंने कहा मैम आज 37th डे है आयुष विबोधिनी सीरीज का. यस मैम. आप एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. तब तक आपने इस सारे टास्क में बहुत मेहनत की है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है. थैंक यू सो मच मैम. तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. मैम वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं, बेसिकली आयुष विबोधिनी आपको पता ही है कि बिल्कुल जस्ट ऐसे ही है कि हमारे लिए जैसे ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई है. सपना देखा था डॉक्टर मृदु ने, हम सब ने मिलके जिसको मतलब पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब हम पूरा अच्छे से कर पाए इसको. और बहुत से जैसे कीनोट स्पीकर्स हमें ऐसे मतलब इतने अच्छे अच्छे हमारे पास कीनोट स्पीकर्स मिले हमें, जिससे हमें इतना सब कुछ सीखने को मिला. और मोर ओवर जैसे हमारे चेयरमैन सर और आप, हम मतलब कंटिन्यूसली हमारे लिए तो आप सब हमारे लिए बैकबोन हो. हम मतलब ऐसा रहा कि आप सबका सपोर्ट था, इसी वजह से शायद हम यहाँ तक पहुंच पाए. और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आपने दी. थैंक यू सो मच मैम. और मृदु मैम के लिए सबसे बड़ा थैंक्स तो उनको जाता है मेरी तरफ से कि अगर वो देखते, अगर उन्होंने हमें इस विजन के हमें ये दिखाया, तभी हम इसी पाथ के ऊपर आगे चल पाए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर मृदु के लिए तो आप बिल्कुल अप्लॉड्स बनते ही हैं. तो मैंने सोचा आज आप कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर भी आप ही हैं, तो आपसे भी आपका व्यू जानना बनता है कि कैसा लग रहा है आपको सारा कोऑर्डिनेट करने में. कुछ बीच में इश्यूज आते हैं, बीच में नेचुरली सबकी किसी की टाइमिंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की ओपीडी, कोई क्लास के अकॉर्डिंग टाइम चेंज करता है, फिर वो सारा आप चेंज करते हो. तो एक कंटिन्यूस उसमें हो आप, एक काम में लगे हुए हो, है ना. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उसको बनाया है ब्रोशर तो बन गया है, उसमें चेंजेस हो रही हैं, कुछ और कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, तो आप कंटिन्यूअसली बिजी हो इस काम में. हाँ जी मैम, अच्छा लगता है. बट स्टार्टिंग में जैसे आप मतलब आपने ही बोला कि सच में पहले पहले बहुत दिक्कत आती थी, बट लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें. तो मतलब कंटिन्यूसली अभी तक सीख ही रहे हैं.
और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मतलब काम तो मैम हार्डवर्क तो करनी पड़ती है तो, बट लेकिन बहुत जैसे बड़ा जब इवेंट ग्रुप मैंने रहता इतने है बड़े तब इवेंट बहुत के अच्छा लिए, लगता है. हाँ इतने बड़े इवेंट के लिए हार्डवर्क किया है, और सबने, सभी ने अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क किया है, और हम इस हार्डवर्क का हमें अच्छा रिजल्ट भी मिला है, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आगे के लिए भी हम ऐसी सीरीज और अरेंज कर पाएँ जिससे कि हमारे हाँ डेलीगेट्स जी, स्टूडेंट्स सबको और हेल्प मिल पाए। हाँ हाँ जी मैम, जी, अभी मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम सर की सॉल्व हाँ नहीं जी हो मैम, पाई। यही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है. मैं एक बार जस्ट उनसे कंफर्म करके मैं बताती हाँ हूँ. आप कंफर्म कीजिए। ओके हाँ जी ओके मैम. मैम, ओके मैम।
Sorry for the interruption. Due to some technical issue, our respective keynote speaker, Dr. Pradeep sir, is not able to join this webinar. So we have to end up this session today. And our next webinar will be held on 18th of September 2021 at 10:30 a.m. in KB department by Dr. Kripakaran. Thank you. Thank you for joining.